जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके जर्सी और ग्रोनसे के बीच में खेले जाने वाला जो आपका नेक्स्ट ड्रीम इलेवन यूरोपियन क्रिकेट T10 का जो नेक्स्ट मैच होगा उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में दोस्तों, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो बहुत से अपडेट्स आप मिस कर जाओगे। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार आपको हमारे टीम्स की विनिंग्स एक बार जल्दी से दिखा देते हैं दोस्तों। चलिए हमारे टीम्स कितना विन कर रहे ये देखिए। पहले तो आपको ग्रैंड लीग के रैंक्स एक बार दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे ग्रैंड लीग के रैंक कितने आई, 46 दोस्तों। इसमें कितने आई दोस्तों, आपके सामने है जो भी 87 हमारे ग्रैंड लीग के रैंक से दोस्तों। दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किए थे, इसमें भी हमारी रैंक कितनी है दोस्तों, 1-1 इन विनिंग जोन हम दोनों में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर एक मैच की फाइनल टीम एक से बढ़कर एक टीम हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों। ये देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसमें हमारे टीम के परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। गिल हमारे कैप्टन थे दोस्तों, हमारे टीम में वार्नर गायकवाड जैसे जिनको किसी ने नहीं, गायकवाड को दोस्तों किसी भी हमारे ओपोनेंट ने लिया नहीं है दोस्तों, और हमने एक तरफा विन किया। ये देखिए हमारे टीम्स जो हमने आपको प्रोवाइड की उसके पॉइंट्स के डिफरेंसेस देखिए दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम एक तरफा विन कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने है जो भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से विन करें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में भी हमारे टीम ने कहर मचा के रख दिया दोस्तों। चलिए एशिया कप की टीम्स भी आपको दिखाते दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों एशिया कप के परफॉर्मेंस हमने एक साथ आपके साथ शेयर किया सारे मैच के। ये देखिए मोहम्मद सिराज हमारे फाइनल में कैप्टन थे दोस्तों। सभी एक्सपर्ट्स का दावा था ये स्पिनर्स का ग्राउंड है, पर हमारा क्या दावा था हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। हमारा दावा था ये आपके फास्ट बॉलर्स का ग्राउंड, इसलिए हमारी पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है दोस्तों। किसी और के पिच रिपोर्ट को आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है। वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारे आज हमारे कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए इस मैच में भी दोस्तों हमको अपडेट मिल चुका था कि तंदिन साक के मुस्तफिजुर रहमान और नसून अहमद ये तीन प्लेयर्स अच्छा करेंगे दोस्तों, ये हमें मालूम पड़ गया था मैच से पहले। उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारे टीम है जो आपके सामने। कितने पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक और मैच देखते हैं, ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन इफ्तिकार अहमद है दोस्तों। हमें इस मैच में इफ्तिकार अहमद का न्यूज़ मिला था कि ये अच्छा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैप्टन बना दिया था, तो इसलिए हमने एक तरफा विन किया। इसमें देखिए कुलदीप यादव हमारे कैप्टन और वालेंगे हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए 974 पॉइंट दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आपको भी जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सेकेंडली आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। ये दो चीज़ अगर आप कर लोगे ना, आपको क्लीन स्वीप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे चैनल पर हर एक मैच की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले मैच पर चलेंगे, उसके बाद क्रिएट टीम पर जाएंगे,
और पहले हम फिल्टर लगाएंगे, हम किसके ऊपर, जर्सी के ऊपर दोस्तों, जर्सी और ग्रोसे के बीच में। दोनों ही टीम काफ़ी मजबूत है, दोनों ही टीमों के बड़े बड़े स्कोर इस मैचेस में होते हुए आपको दिखेंगे। तो आपको जब टीम बनाएंगे आपको दो फैक्टर दिमाग में रखना है कि पहले तो दोनों टीमों के पास काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हिटर्स हैं, तो बैटिंग को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस करना है और बॉलिंग को कम, मतलब सिर्फ ऐसे बॉलर्स को लेना है जो ऑलराउंडर भूमिका निभाएंगे। समझ लिए, कोई एक बैट्समैन आपके 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग कर रहा है और ये 2 ओवर बॉलिंग कर रहा है, उसी प्लेयर को आपको टीम में रखना है दोस्तों। पहले आपको उसी प्लेयर के ऊपर प्रेफरेंस करना है, बाद में अगर जगह बने तो मुझे एक आधा बॉलर अगर लेना हो तो ले लेंगे, बाकी आपको ये दिमाग में रखना। ये स्कोर भी, ये जो गेम है ये देखिए, हर एक मैच हाई स्कोरिंग होते हुए दिखेगा, ये वाला मैच भी मैं हाई स्कोरिंग बनते हुए देख पा रहा हूँ दोस्तों। तो ओपनिंग कौन कर रहे हैं, चार्ली वेनरन ओपनिंग कर रहे हैं पैट्रिक गॉज के साथ, फिर जॉश लॉसन, जेम्स स्मिथ, समरी और ट्राइब और आशा ट्राइब। अगर हम इनके बॉलिंग के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ से आशा ट्राइब ने देखे 2 ओवर में 1 विकेट भी निकाला, पेचार्ड ने 2 ओवर में 2 विकेट, ब्रिटन ने कुछ खास किया नहीं, यहाँ से पुलमैन ने 2 ओवर में 3 विकेट, यहाँ से जेड ट्राइब ने 1 ओवर बॉलिंग किया था दोस्तों। मेरे टीम की बात है पेचार्ड, समारी और आशा ट्राइब और बेनन, ये 4 प्लेयर्स तो फिक्स है दोस्तों। 4 ओवर में यहाँ से ये आपके 2 ओवर करेंगे, पेचार्ड आपके 2 ओवर करेंगे, समारी और आपके 2 ओवर करेंगे। बाकी मुझे अगर कोई भी बॉलर लेना पड़े टिप, ब्रिटन और पुलमैन, ब्रिटन 1 ओवर कर रहे हैं, पुलमैन आपके 2 ओवर में 3 विकेट तो निकाल चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ से ब्रेनन आ चुके हैं, पैट्रिक गोस को लिया जाएगा, लॉरेंसन के मिलूंगा नहीं, यहाँ से समारी और आएंगे, आशा ट्राइब आएगा, तो पैट्रिक गोस ये जो प्लेयर इसको लिया जाता है दोस्तों, पैट्रिक गोस का है ये। और यहाँ से टी पुलमैन के लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले दोस्तों, तो इनको लिया जा सकता है दोस्तों। तो ये कुछ 6 प्लेयर्स इस टीम से इम्पोर्टेंट बन गए, आप एक बार इन 6 प्लेयर्स का प्रीव्यू देख लीजिए। अगर अभी हम बात करें दूसरी टीम की जो कि GSY की टीम है, ग्रुवेंसे की टीम, इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, विकेट की आज दरमियान को तो लिया ही जाएगा, आपको एक बार प्लेयर्स के डाटा दिखाते उसके बाद ही आपको डायरेक्टली टीम बना के दिखा देंगे। ड्रामसेल का रिसेंट फॉर्म देखिए, फ्लेचेट का देखिए, बाकी यहाँ से नाइटेंगेल ने 0 पर आउट हो गए थे, एम स्टोक ने 17 रन बनाए, बटलर ने 28 रन, नाइटेंगेल 19 रन, ब्रूशेल ने 12 रन। अगर इनके बॉलिंग के ऊपर हम नज़र डालें, एल ब्लिचार्ड ने आपके 2 ओवर में 0 विकेट, स्टोक्स ने 2 ओवर में 1 विकेट, नाइटेंगेल ने 2 ओवर में 0 विकेट, मार्टेल ने 2 ओवर में 0, हुपर ने 2 ओवर में 2 विकेट निकाले हैं दोस्तों। तो आए दरेल अपने टीम में पक्का आएंगे, यहाँ से बटलर को मैं टीम में ज़रूर रखूँगा दोस्तों, कुछ भी करे इनको मैं टीम में ज़रूर रखूँगा, अगर कुछ ना भी करे फिर भी मैं टीम में रखूँगा इनको, मुझे ये प्लेयर पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन है, पर पता नहीं टीम मैनेजमेंट को क्या नशा चढ़ा हुआ है, इनको बहुत ही नीचे 2 डाउन 3 डाउन बैटिंग करने के लिए दिया जा रहा है, पर बेसिकली ओपनिंग करते हो, पर जिस दिन ओपनिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, तो मेरे टीम के कैप्टन इनसे ज़्यादा बढ़िया कोई ऑप्शन बनेंगे नहीं दोस्तों। अभी के लिए अगर कैप्टनसी की बात करें, मैं आशा ट्राइब का अपना कैप्टन बनाऊंगा, वाइस कैप्टन में अपना बनाऊंगा दोस्तों सिर्फ पहचान। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने टीम बना लिया, अगर इसे मुझे कुछ चेंज करना हो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फाइनल अपडेट फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाकी चैनल पर नए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ चैनल पर नए हैं दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर ही आपको अपडेटेड टीम मिलेगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।